हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फेमको व्लॉग्स। आज हम आपको दोबारा से लेकर आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट एपिसोड 3 में, और आज हम आपको दिखाएंगे उनका वो महल जहाँ पर मीराबाई रहा करती थी, और साथ ही आज हम आपको वो वाला मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ पर उन्हें विषपान करवाया गया था। और वहाँ पर जाते हुए रास्ते में आ चुका है ये बड़ी पोल दरवाज़ा। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा महल 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें बहुत लंबा लंबा रास्ता तय करना होता है, जहाँ पर इस तरह के बहुत सारे गेट यानी कि पोल्स आते हैं। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं एकनाथ जी के मंदिर में। तो सबसे पहले हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे जहाँ पर तीनों मेन देवता यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही मूर्ति में समाहित है, जो कि हमें यहाँ पर जौहर कुंड के पास में ही दिखाई देता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो इस चित्तौड़गढ़ के किले का राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राजस्थान के कई सारे प्रमुख राजा यहाँ पर ही रहा करते थे, जैसे कि महाराणा उदय सिंह, उनका बचपन भी यहीं पर ही बीता था और पन्ना दाय वाला वो इंसिडेंट भी यहीं हुआ था। साथ ही महाराणा प्रताप भी यहीं से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कई सारे राजाओं ने बहुत बार आक्रमण भी किया है, जिनमें से अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इनको तो सभी जानते हैं। और इसके साथ ही इसी महल में रहा करती थी अपनी वही कृष्ण भक्त मीराबाई, जिनके मंदिर में आज हम जाने वाले हैं। और ये जौहर स्थान भी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है। जौहर कुंड के रास्ते से आगे बढ़ते हुए हमें इस प्रकार से शिव जी के बहुत से छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, जिनमें से बहुत सारे मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बहुत सारे अभी भी बचे हुए हैं। ये जो आपको यहाँ पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये इसी महल के बचे हुए अवशेष हैं जो कि अब टूट चुके हैं। इस महल पर इतनी बार आक्रमण हो चुका है कि इसका 65-70% तक का हिस्सा टूट के नष्ट हो चुका है, और अब जो हम देख रहे हैं वो इसका ओनली 35-40% भी बचा हुआ हिस्सा है, जो अभी तक इतने सालों की थपेड़े झेलते हुए और इतनी मार झेलते हुए भी सुरक्षित बचा हुआ है। इसलिए हमें अपने ही यहाँ की आसपास की जगह और हमें भारत की ही ऐतिहासिक जगहों को घूमना चाहिए, ताकि उनका टूरिज्म बढ़े और उनका रखरखाव अच्छे से किया जा सके। तो चलिए, बातों ही बातों में हम पहुँच चुके हैं शिव जी के मंदिर में। तो सबसे पहले हम आए हैं समाधीश्वर मंदिर में, तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। समाधीश्वर महादेव के इस मंदिर का निर्माण मालवा के महाराजा भोज ने करवाया था, और उसके बाद 1428 ईस्वी के आसपास यहाँ के महाराणा मोगल ने इस पूरे मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि जो भी टूट फूट हुई थी उसे दोबारा से रिपेयर करवाया था। ये जो आपको यहाँ की वास्तुकला दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर होने वाली बहुत सी कहानियों को चित्रित करती है, तो चलिए वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अंदर चलते हैं आपको एक लिंगी भगवान के दर्शन करवाने के लिए। इस मंदिर को एक लिंगी नाथ का मंदिर भी कहा जाता है। समाधीश्वर महादेव के मंदिर में हमें यहाँ पर त्रिदेव की मूर्ति दिखाई देती है, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव एक ही मूर्ति में समाहित है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीच में शिव जी है जिनके गले में नाग देवता है, और उनके दोनों तरफ है ब्रह्मा जी और विष्णु जी। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हमें यहाँ पर एक ही मूर्ति में दिखाई देते हैं और उनके दर्शन होते हैं। यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने अपने अपने समय पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसके कारण हमें यहाँ पर बहुत से मंदिर दिखाई देते हैं, और यहाँ पर हमें बहुत से भगवानों के एक ही जगह पर दर्शन भी हो जाते हैं। हम यहाँ पर इस तरह का मंदिर देखते हैं
जो कि देखने में थोड़ा थोड़ा सास बहु टेम्पल के जैसा भी लगता है, जो कि हमने ग्वालियर फोर्ट में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके आई बटन में से देख लीजिए। और इसके साथ ही मंदिर के ठीक सामने हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं नंदी महाराज। तो देखिए, शिव जी के सामने नंदी ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। इतनी बार हमले होने के बाद और इतनी बार इनको क्षति पहुंचाने के बाद भी आज भी हम इस बची हुई कुछ शेष शिल्प कला को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर को या फिर इस पूरे चित्तौड़गढ़ किले को पहले कितनी मेहनत से और कितनी सुंदरता से उकेरा गया था कि यहाँ पर दीवारों पर पूरे समुद्र मंथन को भी चित्रित किया गया है। साथ ही भगवान से जुड़ी हुई बहुत सारी गाथाओं को भी यहाँ की दीवारों पर उकेरा गया था, परंतु अलग अलग आक्रमणों के बाद इन सभी चीज़ों को यहाँ से नष्ट कर दिया गया और इतिहास से इसे मिटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज भी ये यहाँ पर शेष है। तो इस तरह ही बातों में अब हम पहुंच चुके हैं कुंभशाह मंदिर में, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये मंदिर है श्री कृष्ण का और उनके बड़े भाई बलराम दाऊ का। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और इनके भी दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर। इस फोर्ट में 113 मंदिर है, भगवान सिंह का 48। ये राधा कृष्ण बलराम दास, पहले ये वरावतार का मंदिर था जो 8वीं शताब्दी गुप्पा रावल ने बनवाया। इसके अंदर जो भगवान तीसरा अवतार होता है उनका मूर्ति हुआ करता था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर खंडित कर दिया। फिर राणा कुमार ने इसको रिपेयर कराकर राधा कृष्ण बलराम की मूर्ति, इसलिए कुंभश्याम मंदिर है। और सामने है जो गरुड़ जो, और जो पास में है जो मीरा मंदिर है सब, जो मीरा भाई वहीं पूजा पाठ करती थी, वहीं जो पूर्णिमा के दिन खीर के अंदर जो 20 लीटर जो अमृत वही कन्वर्ट हो गया था, फुल्लू की टोकरी में सांप गया था वही माला में कन्वर्ट हो गया। सांप दोनों मंदिर में दर्शन करके सर नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे और सामने है जो रविदास जी का चरण। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले 8वीं शताब्दी में वराह अवतार के मंदिर के रूप में महाराणा बप्पा रावल ने करवाया था, जिसके बाद 13वीं शताब्दी में यानी कि 13वीं शताब्दी में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण दोबारा से करवाया था राणा कुंभा ने, और उसके बाद इस मंदिर को बनाया गया था श्री कृष्ण राधा जी और बलराम के मंदिर के रूप में। तो उसी तरह से आज हम इनके दर्शन करते हैं। गाइस देखो, यहाँ पर हमें पंडिताइन जी मिली हैं जो सबको चरणामृत दे रही हैं। पंडित जी हमें भी दे दो, धन्यवाद। पंडित जी आप ये सीट थोड़ा खाओ। तो कुंभशाह मंदिर के बिल्कुल पास में ही हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं एक बड़ा मंदिर और एक छोटा मंदिर। तो ये जो बड़ा वाला मंदिर है ये श्री कृष्ण का मंदिर है जो हमने आपको अभी दिखाया, और इसके साथ में ही है ये छोटा वाला मंदिर, और ये छोटा वाला मंदिर है मीराबाई जी का मंदिर। और यही वो मंदिर है जहाँ पर उन्हें खीर के अंदर विष मिलाकर दिया गया था उनकी हत्या करने के लिए, परंतु वो जो खीर थी वो अमृत में परिवर्तित हो गई थी और उनकी जान बच गई थी। इसी मंदिर के साइड में हमें यहाँ पर दिखाई देती है श्री संत गुरु रविदास जी की चरण पादुकाएं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ऊपर एक अलग सी मूर्ति दिखाई दे रही है, ये एक मूर्ति है और इनके पूरे 10 पैर हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक तो शरीर है और टोटल 10 पैर है। इसी तरह यहाँ पर न जाने कितनी विभिन्न प्रकार की अलग अलग वास्तुकला से जुड़ी हुई अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ देखिए अब हम आ चुके हैं फाइनली इस मंदिर के अंदर। तो देखिए
ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है यही है मीराबाई जी का मंदिर, जहाँ पर वो श्री कृष्ण की दिन रात पूजा अर्चना किया करती थी। और यही है वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति, और नीचे देखिए मीराबाई की मूर्ति भी है जो श्री कृष्ण की भक्ति भजन कर रही है। जैसा कि यहाँ पर भी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये वही मंदिर है जहाँ पर मीराबाई अपने इष्ट गिरधर गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी, और यहीं पर ही विष अमृत में परिवर्तित हो गया था। एक बार यहाँ पर उन्हें मारने के लिए फूलों की टोकरी में सांप रखकर भी भेजा गया था, परंतु वो सांप मीराबाई के गले का हार बन गया था और फूलों का हार बनकर ही उनके पास आ गया था। और यहाँ पर मीराबाई जी के मंदिर के बिल्कुल पास हमें यहाँ पर दिखाई देता है मोती बाजार। पहले महलों में महलों की महिलाओं के लिए इसी तरह के अंदर ही विशेष प्रकार के बाजार बनाए जाते थे, तो इसी तरह ही हमें उनमें से एक यहाँ दिखाई देता है मोती बाजार, और उसके पास ही हमें यहाँ दूसरा दिखाई देता है नगीना बाजार, जो कि विशेषकर यहाँ पर महल के अंदर रहने वाली महिलाओं के लिए बनवाए जाते थे। तो इन सब जगहों से होते हुए अब हम आ चुके हैं रतन सिंह पैलेस पर। तो ये देखिए, ये है यहाँ के महाराजा रतन सिंह जी का महल। महाराणा रतन सिंह जो दूसरे राणा सांगा थे उनके पुत्र थे, और उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद ही सिंहासन मिला था, परंतु वो बहुत ही कम समय के लिए राजा के रूप में यहाँ पर रहे थे और उन्होंने राजा की तरह कार्य किया था। उन्होंने ओनली 1527 से 1531 तक, यानी कि टोटल 4 सालों तक ही महाराणा के रूप में कार्य किया था, और इसी छोटी अवधि में उन्होंने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रॉयल परिवार के लिए, यानी कि शाही परिवार के लिए, एक सर्दी निवास के रूप में एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, जिसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये विशेषकर राजाओं के या फिर राजा के परिवार के लिए सर्दी में रहने का महल था, जिसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी। और इस महल को पूर्णतः राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जैसा कि आपको इस दीवार के डिजाइन को देखकर भी पता चल रहा होगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो। अगर आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे बने हुए ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हमें बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से दोनों एपिसोड्स को देख सकते हो। और अगले एपिसोड को देखने के लिए और चित्तौड़गढ़ फोर्ट की सारी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।